us. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेरी महिमा हो, तुझे आदर महिमा दो, सारा आदर सारी महिमा खुदावन यीशु मसीह के नाम में, दलाली पिता हम आपके नाम को। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, वी प्रेज यू मास्टर, ग्लोरीफाई योर होली नेम, वर्शिप योर होली नेम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। खुदावन यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की, शालोम, विज लॉर्ड। रवि यीशु नासरी के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने ये सुअवसर मुझे फिर से दिया ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूँ, उसकी इबादत कर सकूँ। उसी के साथ साथ इस पेज के जो एडमिन है पास्टर सचिन, उनकी जो सारी टीम है, सारे शखाइना ग्लोरियस पेज के जो भी आदरणीय मान्यवर जो लोग हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी को परमेश्वर आपको आशीषित करे, प्रभु में आपको बनाए रखे। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अभी हर सेशन में केवल एक ही सॉन्ग गाएंगे, क्योंकि वचन के लिए समय काफी होता नहीं है। तो इसलिए आज से मैंने निर्णय लिया है तो एक ही वर्शिप सॉन्ग गाएंगे और उसके बाद तुरंत हम वचन में चलेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और सारी दुनिया में चमत्कार, भविष्यवाणियां या चिन्ह, ये सब बातों के ऊपर चल रहा होगा, लेकिन जो विषय हम अध्ययन कर रहे हैं ये आठवां भाग है कि पापमय बातों पर कैसे जयवंत होंगे, हाउ टू ओवरकम अपॉन सिनफुल थिंग्स। अब उन बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से सबको आशीषित कर रहे हैं। बहुत सारे कॉल्स मुझे उसके ऊपर आ रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहा है। तो आइए हम फिर से एक बार आराधना में चलते हैं, यीशु के करीब आते हैं, क्योंकि यीशु के करीब आने से हमारा जीवन बदल गया है। तो आइए धन्यवाद के साथ उसकी महिमा हम करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड फादर। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, आप भी मेरे साथ ये गीत गा सकते हो और खुदावन की इबादत कर सकते हो। यस अवर फादर, वी लव यू लॉर्ड जीसस। तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई, यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तेरा धन्यवाद करते रहते प्रभु, प्रभु आप करें प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हम पापों में डूबे थे तो भी परमेश्वर आपने अभी छुड़ाया। यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी
आयोग अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने घर में बैठ कर उसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। थैंक यू जीसस। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरे बहन के लिए। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह किया हमें उसका पुत्र और कन्या होने का अधिकार दिया उस परमेश्वर ने। आइए अपने घर में बैठकर सब कुछ भूलकर उसको धन्यवाद देंगे, सब कुछ भूलकर उसको धन्यवाद दो प्रियो। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यस लॉर्ड, अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। थैंक यू मास्टर, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम, वर्शिप योर होली नेम। बाबा आज हमसे बात करो। यह आराधना जो हमने की है, इस आराधना का मध्यस्थ तो है, केंद्र बिंदु तो है, सब कुछ तो है। इन होठों के फलों को, स्तुति के बलिदानों को आप स्वीकार करो जो मैंने यहाँ पर किया और तेरे बच्चों ने परमेश्वर अपने घर में किए है। अब प्रभु जिस कलाम के ऊपर हम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, पापमय बातों के ऊपर कैसे जयवंत होंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम जय पा नहीं सकते, और कुछ लोग कलाम का गलत इस्तेमाल करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, उसे मिसयूज करते हैं। कृपा का सहारा
पाप करने का लाइसेंस बोलकर लेते हैं, लेकिन प्रभु तू नहीं चाहता है कि हम पाप में जिए, क्योंकि तू हमारे लिए मारा गया इसलिए कि हम पापों के ऊपर जयवंत हो जाए। सहायता कर तेरे कलाम को ग्रहण करने के लिए हम सभी की अगुवाई कर। ये शरीर मेरा है जो तेरा मंदिर है, जुबान ये केवल मनुष्य स्वरूप में, मैं पूरी तरह से खुद को रिक्त करता हूँ, खाली करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु आने वाले सारे मार्गदर्शन प्रचार का हरेक परमेश्वर, जो भी परमेश्वर आपने भेजा हुआ जो मार्गदर्शन है, फिर भले वो मीठा हो या कड़वा हो, भले वो प्रोत्साहित करने वाला हो या डांट देने वाला हो, आपकी मर्जी से आने दो। हम स्वीकारते तेरा कलाम हमें सही दिशा में चलाता है, तेरा कलाम जो वो आज्ञा है जो हमें दीपक है, तेरा कलाम वो जो शिक्षा है जो हमारे लिए उजाला है, तेरा कलाम वो डांट है जो हमारे लिए जीवन का मार्ग है। जैसे तेरी मर्जी है, पिता का दीपक, पुत्र का उजाला और पवित्र आत्मा का जीवन का मार्ग आज हमें प्राप्त हो जाए। धन्यवाद देते, सारा आदर आपको देते, यीशु नासरी के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया, सभी का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार। और यह आठवां भाग हम देख रहे हैं, और यह आठवें भाग में मैं स्पेशली सभी जो रेगुलर इस संदेश को लाइव सेशन में अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कमेंट्स के द्वारे मुझे रिप्लाई कर रहे हैं कि सच में आज की यह हमारी जरूरत है, और परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा हमें आशीषित कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है। अब ये जो टॉपिक हमने चुना है, इस टॉपिक के चुनने के पीछे का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े परमेश्वर के दास दासिया वो बता रहे कि रैप्चर कभी भी हो सकता है। अब ये जो सब हम आसपास में जो घटनाएं देख रहे, जो हमारे सोच से परे, बियॉन्ड ऑफ आवर इमेजिनेशन, हमें समझ में नहीं, हमारी कल्पनाओं से भी परे। अब कल जितने जैसे दो दिन मुंबई में जो बारिश हो गई, और जो लोगों के घर में जिस तरीके से पानी का बहाव आया, जो उनके लिए जिंदगी में फर्स्ट टाइम अनुभव आया। कुछ एक वीडियो भी चल रहा था, एक बच्चा बहकर जा रहा था, माँ बाप का पता नहीं, बच्चा उतने पानी में भी वो पानी में डूबते हुए हाथ पे हिलाते आ रहा था। किसी एक भाई ने उस बच्चे को, शायद मेरे ख्याल से 6-8 महीने का बच्चा होगा, उस बच्चे को भी किसी ने तो भी बचाया। इस परिस्थिति में भी परमेश्वर, माँ बाप पता नहीं किधर है, सारा घर का फर्नीचर भय के आ रहा था, फ्रिज भय के आ रहा था, गैस सिलेंडर भय के आ रहा था, वहां पे अलग अलग बातें भयकर आ रही थी, अब उसमें एक बच्चा भयकर आ रहा था। मैंने वो देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ। अब इमीडिएट मैं आगे देखता हूँ कि एक छोटा लड़का वहां पे जाता है, अब उसको खींच के निकालता है, वो निकालने वाला भी वो मसीह लड़का है। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि वो बचाने वाला भी मसीह है, और उससे बड़ा बचाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, ये सब हालात हम देख रहे हैं, भूकंप आ रहा है, ये वायरस आज के डेट में लाखों की तादाद में बढ़ गया है, पूरे इंडिया में कहते कि 68,000 आज पेशेंट्स मिले हैं, 42,000 लोग इस दुनिया से चले गए हैं, 11 लाख ठीक होके घर गए हैं, 6 लाख अभी भी वहां पे ट्रीटमेंट ले रहे। जगह जगह पर हमने जैसा देखा कि लेबनान में बैरूत में एक बड़ा विस्फोट हुआ, उधर जो अमोनियम नाइट्रेट की वजह से वो विस्फोट हो गया, और कम से कम वहां पे अभी तक 150 लोगों की मौत हो गई है, 5,000 से अधिक घायल है, उसमें कुछ भारतीय लोग भी है। क्या इस घटनाएं क्या संकेत दे रही है हमें? ये सारी घटनाएं हमें संकेत दे रही है, परमेश्वर के लोगों जागरूक हो जाओ, परमेश्वर को हल्के में मत लेना, खुदा के कलाम को हल्के में लेना नहीं, क्रिश्चियनिटी को हल्के में लेना नहीं। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं है कि धर्म का कोई कर्म किया इसलिए हम क्रिश्चियन बनते। क्रिश्चियनिटी का एक ही उसूल है, जो क्राइस्ट फॉलोअर है, जो क्राइस्ट के वचनों के अनुसार चलते हैं, वही मसीह के कहलाएंगे। अब जो वचन के अनुसार अपने जीवन में
जो गलत है उसे दूर करते हैं और जो योग्य है उसके अनुसार जो कदम बढ़ाते हैं वही लोग पवित्रता की चाल चल सकते हैं। अन्य भाषा बोलना मतलब पवित्र आत्मा से भरना ही नहीं है। अन्य भाषा बोलने वालों ने अपनी जुबान में अच्छी बात भी बोलनी चाहिए। पवित्र आत्मा से भरना पवित्र आत्मा में पवित्र करने के लिए भरता है, दुष्ट आत्मा में दुष्ट बनाने के लिए भरता है, अशुद्ध आत्मा में अशुद्ध बनाने के लिए भरता है। और आज हम ऐसे दो आत्माओं के जीवन के बारे में देखेंगे। आज बहुत सारी जगह पर हम देखते हैं कि केवल नामधारी मसीहत बची हुई है। इस दुनिया का ये सब विनाश की बातें चल रही है। यीशु मसीह का आना हो रहा है, यीशु मसीह लेकर किसको जाएगा? जिसको चंगाई मिली उसको लेकर जाएगा, जिसको बड़ी बड़ी धन दौलत मिली उसको लेकर जाएगा, किसको लेकर जाएगा? कोई डिनोमिनेशन को लेकर जाएगा? मेथडिस्ट जाएगा, सीएनआई जाएगा, पेंटिकॉस्टल जाएगा, बिलीवर जाएगा, कौन जाएगा? कोई डिनोमिनेशन नहीं जाएगा, वही व्यक्ति जाएगा जो उसके वचन के अनुसार अपना जीवन पवित्रता से चला रहा है। हालेलुया। एक गीतकार बहुत सुंदर गीत में बहुत अच्छी तरीके से कहता है, वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूहे पाक के वरदान से अपने जीवन को तू भर दे, क्योंकि दूल्हा उस दुल्हन को लेकर जाएगा जो पवित्रता की चाल चल रही है। वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, वचनों के श्रृंगार से अपने मन को तू सजा ले, रूहे पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले, रूहे पाक के वरदानों से अपने जीवन को भर ले, पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में ना खोना, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है, जाग जरा दुल्हन, दूल्हा यीशु आ रहा है। वो दूल्हा यीशु उसी दुल्हन को लेकर जाएगा जो दुल्हन उसके वचन रूपी जलस्नान से, उसके आत्मा के जलस्नान से, उसके लहू से जलस्नान से जो शुद्ध और पवित्र है, उसी पवित्र दुल्हन को जो उसके भीतर उस मसीह की सुगंध है, उस दूल्हे को लुभावने वाली सुगंध है, उसी दुल्हन को वो दूल्हा अपने साथ उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे जीवन में मुझे चंगाई मिले या ना मिले, मेरे जीवन में मुझे प्रॉस्पेरिटी मिले या ना मिले, मेरे जीवन में भले अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे जीवन में एक तो मुझे करना है, हर हालात में मुझे वो वाचा बांधनी है कि मैं पवित्रता की चाल चलता रहूंगा। हालेलुया। आज ये बातों के ऊपर बहुत कम लोग बताने वाले। बहुत सारे हीलिंग प्रीचर्स है, साइंस एंड वंडर्स के प्रीचर्स है, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स है, प्रोफेसी प्रीचर्स से, लेकिन हमें होलीनेस के प्रीचर बहुत कम दिखते हैं। सूली उठाकर चलने वाले प्रीचर बहुत कम दिखते हैं। यीशु मसीह को मैं थोड़ी देर पहले एक पेज के ऊपर जो प्रचार किया, यीशु को आज लोगों ने आधा प्रकट किया है। यीशु का प्रचार, यीशु का सुसमाचार बहुतों ने आधा ही बताया है। इनकम्प्लीट गॉस्पल को शेयर किया गया है। फुल गॉस्पल क्या है ये बताया नहीं जा रहा है। केवल यीशु के पास आओ आओ आओ, बरकत देगा, चंगाई देगा, आशीष देगा, केवल आशीष देने वाला यीशु बताया है, लेकिन सूली उठाकर चलने वाला यीशु नहीं बताया है। अब वो चाहता है कि हम भी अपने जीवन में अपनी अपनी सूली को उठाकर उसके पीछे चले, वो पवित्रता की चाल चले, अपने शारीरिक कामों को मारे और आत्मिक बातों को उठा उठाए, आत्मिक पक्ष में ज्यादा काम करे और शारीरिक पक्ष को पूरा नीचे दिखाए। जो ये काम करेगा उसी को दूल्हा लेकर जाएगा। हमारे परमेश्वर जब भी स्वर्ग खुलता है ना, उसकी पहचान बताई गई है, उसकी पहचान ये है, पवित्र परमेश्वर। और वो पत्रस की किताब में 2 पत्रस 1:16 में कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र हो जाओ। कौन है इस दुनिया में आज ये बताने वाला? अगर हम ये जो पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं कि आप पापमय जीवन पे कैसे जीवंत होंगे, How to overcome upon sinful things? Only through the word of God and word of God and word of God. अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का कलाम है तो वो कलाम बुद्धि में नहीं चाहिए, वो कलाम
मेरे हृदय में होना चाहिए। आज इस विषय के लिए हमने दो वचनों का चुनाव किया है। अब उसमें से पहला वचन कहता है जो भजन संहिता 119:11 में दाऊद कहते हैं, यहाँ पे भजनकार कहते हैं यहाँ पे, हे खुदावन मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूं, इसलिए तेरा कलाम मैंने मेरे मन में संभाल के रखा है। क्या है तुम्हारे मेरे मन में? दुनिया की सब फालतू बातें, गंदी बातें, क्या है तुम्हारे मेरे जीवन में? अगर तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर कलाम का हथौड़ा है, तो जो भी अशुद्धता का, जो भी पत्थर वाली बातें तुम्हारे जीवन में आएगी, वो कलाम के हथौड़े से तुम फोड़ दोगे। तुम्हारे और मेरे जीवन में अगर वो दोधारी वचन की तलवार है जो अशुद्धता की जड़ें काट देगी, तुम्हारे और मेरे जीवन में कलाम की अग्नि है, केवल पवित्र आत्मा की अग्नि रबा रबा बोलना फायर फायर बोलने से नहीं है, तो परमेश्वर के वचन को भी अग्नि कहा गया है। वो कलाम अगर मेरे अंदर है जो मुझे रोशनी भी देगा, अब वही कलाम मेरे जीवन की गलत बातों को भस्म कर देगा, वही अग्नि। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को वचन से ज्यादा भविष्यवाणी अपनी है। हमारे बारे में कुछ बताओ भविष्य के, अभी भी क्या भविष्य लेकर बैठे हो? लोगों का घर संसार बहकर जा रहा है। मुंबई में कितने लोग बहकर गए पता नहीं है, घर संसार बहकर गया है, पूरा का पूरा घर का घर डूब गया है। कोल्हापुर की अभी न्यूज आ रही है, सारे वहां पे डरावनी बातें हो गई है, शायद पिछले साल के जैसा कुछ हो गया क्या, इस तरीके से लोग डरे हुए। अरे आज भी लोग कहते हैं कि प्रोफेसाइड भी अभी भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है, अभी आज्ञा पालन के साथ एक पवित्र जीवन की जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा और मेरा उद्धारक कभी भी आ सकता है, वो चोर की नहीं आएगा, लेकिन वो उसको ही लेकर जाएगा जो उसके साथ वफादार है। अब वो वफादारी पवित्रता के साथ है। क्या है हम आज छाती टोक के कह सकते हैं, हाँ मैं पवित्र जीवन जीता हूँ, मैं गलत बात नहीं देखता हूँ, मैं गलत बात नहीं सोचता हूँ, मेरे जीवन में मैं मेरे परमेश्वर को ऊंचा करता हूँ? कौन है ऐसा बताने के वाला? उसको यीशु मसीह लेकर जाएगा। कौन है ऐसे? आज खुदा चाहता है कि हम इन बातों के ऊपर बहुत ही अध्ययन करना होगा गहराई से। लोगों को शायद मेरा ये प्रचार शायद कुछ अटपटा लगता होगा, या मेरे प्रचार को शायद लोग कहते रहेंगे कि ये राजू ठाकुर ओल्ड फैशन प्रचार के। नो प्रॉब्लम, अगर आपको ये पुरानी तौर तरीके का प्रचार लगता होगा नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं पुरानी तरीके का भी हो गया तो मुझसे भी पुराना यीशु मसीह है, जिसे सनातन परमेश्वर कहा गया है, वो सनातन समय से पवित्र है, अब वो अभी भी पवित्र है, अब वो पवित्र ही है। हालेलुया। भले आपको ये ओल्ड फैशन या ओल्ड मॉडल का प्रचारक लगता है नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा जो बता रहा है मैं वही बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य कोई गिरता है उससे भी बड़ी बात है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में गिरा हुआ अगर पवित्रता में उठता है ना, वो सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। खुदावन ने हमें गिराने के लिए नहीं बुलाया है, जो गिरे हुए ना पाप की खाई में उन्हें उठाने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। भजन संहिता 107:20 में वो कहता है, मैं अपने कलाम को भेजकर उन्हें चंगा करता हूँ, और आगे कहता हूँ उन्हें मैं गड्ढों से बाहर निकालता हूँ। परमेश्वर का काम चंगाई के साथ साथ जो पाप के गड्ढों में पड़े हुए उनको बाहर निकालने का भी काम है, लेकिन आज ये काम बहुत कम दशा में किया जा रहा है। बहुत कम लोग है जो होलीनेस और पवित्रता के ऊपर, सूली के ऊपर, दुख सहने के ऊपर, मसीह का जीवन जीने के लिए, सताव का जीवन जीने के लिए कोई नहीं बता रहे, आओ आओ मसीह में आओ जो सब कुछ लाइफ बदल जाएगा, निश्चित लाइफ बदलेगा। लेकिन ये आधा सच है। सिक्के की ये एक साइड है, दूसरी साइड ये बताती है जब मैं मसीह में आता हूँ तो मेरे जीवन का सब कुछ परिस्थिति को बदलता है, लेकिन उसके बाद परिस्थिति नहीं भी बदलती है तो मुझे मेरे परमेश्वर के साथ वफादार रहना है। हालेलुया। परमेश्वर ये बातें बहुत ही अच्छी तरह से बता रहा है। और दूसरा जो वचन हमने चुना था, जो दूसरा पत्रस और हालेलुया उसका वचन 4, हमें वचन क्यों दिया गया है? दूसरा पत्रस पहला अध्याय वचन 4, जिनके द्वारा हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उन वचनों के द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर, दुर्गंधी से छुटकर, पाप की सड़ाहट से छुटकर, जो संसार में पूरी अभिलाषाएं से होती है, ईश्वरी स्वभाव के सहभागी हो जाओ, ईश्वरी स्वभाव के बन जाओ और ईश्वरी पर्सनैलिटी के बन जाओ। ये वचन का उद्देश्य, मूल उद्देश्य है, मेन पर्पस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन आज वचन को
अपने तरीके से मिक्सर करके प्रचार किया जाता है। वचन का और वचन के खुदावन का एक उद्देश्य है, वन ऑफ द पर्पस ऑफ हेवनली वर्ड, वन ऑफ द पर्पस ऑफ हेवनली गॉड, वी शुड बिकेम लाइकनेस ऑफ होलीनेस। उसके होलीनेस के अनुसार हम उस तरीके से बन जाए, उसके स्वरूप के सहभागी बन जाए। लेकिन क्या आज इन बातों को कोई बता रहा है? कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो, ऐसे कहने वाले बहुत कम मिलेंगे। इन हालातों में आज हमें ये सब संकेत मिल रहे, आसपास की ये घटनाएं हमें बता रही है। एक भी आदमी आज स्थिर नहीं है, लेकिन वे मसीह स्थिर है जिन्हें पता है ये सब बातें मिलकर रोमियो 8:28 के अनुसार मेरे लिए भलाई को पैदा करेगी। भले इस कोरोना वायरस में या इस महाजाल में या भूकंप में आने वाली बाढ़ में भले ही मेरा जीवन भी खत्म हुआ ना, तो मुझे डर नहीं है, क्योंकि जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। हर एक धड़कन उसकी है, हर सांस उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, गलते जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। ये जिंदगी तो इस जहां में जैसे हवा का झोंका, गलते जो वो आज नहीं है, संसार जीने का धोखा। उसके संग चलना है, स्वर्गीय सामर्थ पाना है। उसके संग चलना है, स्वर्गीय सामर्थ पाना है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। हर एक सांस उसकी है, हर धड़कन उसकी महिमा है। जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। मौत का और इन परिस्थितियों का डर उन्हें लगता है जिनके पास मसीह की आशा नहीं है कि इस जीवन के बाद ये जीवन केवल 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल। उन्हें डर लगता है कि उन्हें लगता है कि यही जीवन है। लेकिन वे लोग डरते नहीं जिन्हें पता है मसीह की आशा मुझे अनंत जीवन में लेके जाएगी। वहाँ का समय भी अनंत कालीन है जिसे कोई गिन नहीं सकता, जहाँ पर मैं मेरे परमेश्वर के साथ आनंद ही आनंद करूंगा। हालेलुया। इसलिए इन बातों से डरना नहीं, लेकिन इन बातों का संकेत हमें दिया जा रहा है कि हमें मसीह कब भी आने वाला है, वो उन्हीं को लेकर जाएगा। निश्चित यीशु का पहला आना पापियों के लिए था, लेकिन यीशु का बादलों पर आना धर्मियों के लिए और पवित्र लोगों के लिए होने वाला है। फिर वो हर कैटेगरी के लोग हो गए, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सभी क्लास के लोगों के लिए होगा। लेकिन उनमें से वही लोग जाएंगे जो पवित्रता की दौड़ दौड़ते हैं। हालेलुया। अब इन बातों के ऊपर गहराई से अध्ययन करते करते मैंने कल आपको नीति वचन में से परमेश्वर की कलाम की तीन बातें बताई, परमेश्वर के कलाम की तीन बातें बताई। अब वो तीन बातें क्या है? परमेश्वर के कलाम में आज्ञा है, कमांडमेंट, परमेश्वर के कलाम में शिक्षा है, मतलब टीचिंग,
अब तीसरी बात है, परमेश्वर के कलाम में उसके वचन में करेक्शन है, डाट। क्या है? डाट, सुधारना, रिफॉर्मेशन, ये तीसरी बात है। अब इसको हम वचन से देखेंगे, केवल ऐसी भावनिक बातों में नहीं। तो नीति वचन 6 अध्याय वचन 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्स 23, आज्ञा तो दीपक है, आज्ञा मतलब वचन की आज्ञा दीपक है, आगे शिक्षा ज्योति है, मतलब वचन की टीचिंग, वचन की टीचिंग लाइट है, प्रकाश है, उजाला है। नंबर 3, और सिखाने वाले की डांट, मतलब करेक्शन, रिफॉर्मेशन, चेंजेस, मतलब डांट है, डांट। वचन आज्ञा है जो दीपक है, वचन शिक्षा है जो उजाला है, वचन डांट है जो जीवन का मार्ग है, वे ऑफ लाइफ। वचन में 3 बात है, पिता की आज्ञा हमारे जीवन में दीपक लेकर आती है, पुत्र की शिक्षा हमारे जीवन में उजाला लेकर आती है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का उजाला हूँ, जो कोई मेरे उजाले में चलेगा उसे अंधेरा छू नहीं पाएगा। और नंबर 3, पवित्र आत्मा की डांट। पवित्र आत्मा का केवल फायर नहीं है, तो पवित्र आत्मा के वचन की डांट हमारे लिए जीवन का मार्ग है। और वो जीवन का मार्ग हमें यीशु की राह से पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज लोग ये भूल गए, वचन में 3 बातें, दीपक, प्रकाश और जीवन का मार्ग। वचन में 3 बातें, दीपक, प्रकाश और जीवन का मार्ग। वचन 3 प्रकार से, आज्ञा, शिक्षा और डांट, कमांडमेंट, टीचिंग एंड करेक्शन। बहुत सारे लोगों को करेक्शन पसंद नहीं है, इसीलिए वो कलीसियाओं से कलीसिया बदलते, पास्टर से पास्टर बदलते, इसलिए उनके जीवन में उन्हें जीवन का मार्ग पाता मिलता नहीं है। आज हमें जहां पर रहना है जहां पे वचन की सही शिक्षा दी जाती है, भले वहां पे छिन्न छपन कर नहीं भी होते रहेंगे, लेकिन जहां पे मुझे जीवन का मार्ग सिखलाया जाता है वहां पे मुझे बने रहना है। हालेलुया। आगे फिर चलेंगे हम, जैसा मैं अभी फिर से यूसुफ और सैमसन को रिपीट नहीं करूंगा। हमने यूसुफ जो मिस्र में था उसको क्या क्या मिला ना, पवित्रता की दौड़, दौड़ते वक्त नंगा हो गए मिस्र के सामने, लेकिन उसी मिस्र के सामने उसे राजा का मलमल वस्त्र पहनाया गया। उसी मिस्र में उसको जब गलत इल्जाम के द्वारा उस पे तोहमत लगाई गई, लेकिन सारे मिस्र को कहा गया था इसी यूसुफ को दंडवत करो, घुटने पर आकर दंडवत करो, जिन्होंने उसको थूका होगा, जिन्होंने उसको बदनाम किया होगा, वही लोग उसको घुटने पर आकर दंडवत कर रहे थे। यूसुफ के गले में सोने की जंजीर डाल दी गई, यूसुफ के लिए स्पेशल रथ बनाया गया। अब यूसुफ सारे मिस्र का पंतप्रधान बन गया। जो लोग यूसुफ के पीछे भाग रहे थे उसको बलात्कार बोलकर जेल में डालने के लिए, वो लोग नहीं तो सारी दुनिया यूसुफ के पीछे भाग रही थी अनाज के लिए। यूसुफ आज मिसाल है, मिस्र के पिरामिड आज भी चीख चीख कर बता रहे, एक यूसुफ था जो पवित्र जीवन जीने वाला था, जिसको बदनाम करके जेल में डाला गया था, लेकिन वो जेल से बाहर आया तो इसी मिस्र का वो पंतप्रधान बन गया। हालेलुया, ऐसी अद्भुत बातें। और दूसरी ओर सैमसन था जिसने पवित्रता की दौड़ दौड़ने के लिए नाकामयाब हो गया, शक्तिहीन हो गया, तुष्टहीन हो गया और पैलेस्टाइन का चक्की पीसने वाला चक्की वाला बन गया। इसलिए जवानों अपनी जवानी में बाइबल कहती है 2 तिमोथी 2:22 में, 2 तिमोथी 2:22, जवानी की अभिलाषाओं से भागो। और 2 कुरिन्थियों 9:27 में दिया गया है, पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को आत्मा से कुचलता हूँ, मारता कूटता हूँ और मेरे शरीर को गुलाम करके रखता हूँ और मेरे शरीर पे पवित्र आत्मा का नियंत्रण लाता हूँ। आज उल्टा हो रहा है, शरीर आत्मा पे नियंत्रण ले रहा है, इसीलिए मनुष्य पाप की गहराई में जा रहा है। लेकिन जिसके पास वचन की तलवार है, जो वचन के अनुसार चलता है, वो आत्मा के द्वारा शरीर पे अधिकार लेता है और वो शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करता है तो परमेश्वर की पवित्र इच्छाओं को पूरा करता है। हालेलुया। आज इन बातों को पौलुस ने लिखा हुआ तिमोथियुस का पत्र कहता है, लालसाओं से भाग, जिसमें यूसुफ भागा, मिस्र का पंतप्रधान हो गया, लेकिन एक जगह पे वो कहता है कि समय आने के बाद हमारी लालसाओं को हमने कूटना भी चाहिए। तो आज मैं डायरेक्ट चलता हूँ जिस राजा के ऊपर मैं बता बता के मैं एक्चुअली
उस समय की वजह से पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, उसी राजा के पास चलेंगे जिस राजा का नाम है यहू। अब यहू जब राजगद्दी पे आया, इज़राइल का राजा बना, उस वक्त आहाब का घराना अब आहाब नाम का जो राजा जो इज़बेल का पति था वो मार दिया गया। अब उस वक्त परमेश्वर की भविष्यवाणी जो इलिया नबी के द्वारा आई थी, उस भविष्यवाणी के अनुसार वहां पे इलिया को बताया था, लेकिन एलिशा के एक भविष्यवक्ता के एक छोटे से सेवक के द्वारा यहू का अभिषेक किया गया, यहू राजा हो गया। अब यहू राजा होने के बाद जब वो इज़राइल में आ रहा था, इज़राइल में आने के बाद यही इज़बेल नाम की जो रानी जिसने आहाब नाम का जो उसका राजा था उसको अपनी जवानी की मस्त अदाओं से उसके मादक शरीर के द्वारा उसको पूरा मोहित कर लिया था, और उस दिन से इज़बेल का जो पति आहाब राजा था वो उसके सामने कुत्ते के नाई जैसा लाल टपका था वैसा वो बन गया था, वो चोरू का गुलाम बन गया था, जैसे इज़बेल कहती थी वैसा वो करता था। और ये इज़बेल ने बहुत सारे सेवकों को और बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को तलवार के घाट उतार दिया जो यहोवा के सेवक थे और यहोवा के भविष्यवक्ता थे। इस इज़बेल ने उनको मौत के घाट उतार दिया था। अब ये इज़बेल ने देखा आहाब राजा तो मर गया, अभी यहू राजा हो गया। अब उसने अपने मोहक अदाओं से जैसे उसने आहाब को लुभाया था, आहाब के बारे में बताया जाता है कि जैसे आहाब ने इज़बेल के साथ शादी किया, आइए उस पॉइंट को पढ़ के फिर आगे चलते हैं। आहाब के बारे में क्या कहता है बाइबल, पहला राजा का किताब और उसका 16 अध्याय और वचन 31, फर्स्ट किंग्स चैप्टर 16 एंड वर्स 31। उसने तो नाबाद के पुत्र यरोबाम के पापों में से चलना हल्की सी बात जानकर सिदोय में से राजा एतबाल की बेटी इज़बेल से विवाह कर दिया और बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल के लिए एक भवन शमरोन में बनाया था, उसमें बाल की एक वेदी बनाई थी और आहाब ने एक आशेरा मूर्ति भी बनाई थी। वरन उसने सब इसराइल के राजाओं से भी बढ़कर उससे पहले थे इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। इतना थर्ड क्लास लेवल का राजा था ये, जिसने यहोवा का काम छोड़ दिया और इज़बेल के देवताओं को चुन लिया। इज़बेल का देवता था बाल और देवी थी आशेरा, बाल के लिए बड़ा भवन बना दिया उसने और इज़बेल की इच्छा के अनुसार चल गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले विश्वास में बहुत बलवान रहते, लेकिन जब वो कभी कभी अन्य जातियों के साथ गलत लोगों के साथ शादी करते उसके प्रेम जंजाल में फंसकर जो परमेश्वर यीशु की इबादत करने वाले वो अन्य जाति की इबादत करना शुरू कर देते, अन्य देवता की इबादत करना शुरू कर देते। इज़बेल की आत्मा आज भी काम कर रही है, आज उसके बहुत सारे सबूत मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। इज़बेल की आत्मा एक ही काम कर रही है, जो पवित्र है उन्हें अपवित्र बनाया जाए, और पवित्र लोग जो जी रहे जो उसके सामने घुटना नहीं टेकते जो उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते उनको बर्बाद करने का काम आज बहुत सारी कलीसिया में इज़बेल की आत्मा काम कर रही है। और जब यहू राजा बन के आया, राजा बन के आया आने के पहले एक बात हम पढ़ेंगे, दो राजा उसका 9 अध्याय वचन 7। वहां पे इज़बेल के पास जब एलिशा नबी का एक भविष्यवक्ता जब जाता है उसका शिष्य, वो यहू को क्या कहता है, देखो तू अपने स्वामी आहाब के घराने को मार डालना जिससे मुझे अपने दास भविष्यवक्ताओं के वरन अपने सब दासों के खून का जो इज़बेल ने बहाया है बदला मिले। इज़बेल ने कितने धोबी नबियों का खून बहाया, ये फर्स्ट पॉइंट अभी दिखता है। अब जब ये यहू राजा बनकर जब इज़राइल की तरफ आ रहा था तो योराम नाम का जो राजा था, योराम नाम के राजा ने वहां पर हम देखते हैं कि वो उससे आके मिलता है। एक्चुअली यहाँ पे हिंदी वर्ड जो है ना वो बहुत गलत वर्ड है, मतलब वो यूज मैं करूंगा तो आपको लगूंगा कि मैं गाली दे रहा हूं, लेकिन हिंदी भाषांतर में वो लिखा है, लेकिन मैं वो बोलूंगा नहीं क्योंकि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये हमें समझना चाहिए। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इन बातों को आपके सामने लेकर आता हूं। दूसरा राजा 9 अध्याय अब वचन 21 से आगे पढ़ेंगे। यरोबाम ने कहा मेरा रथ जुतवा, तब उसका रथ जुता गया, तब इसराइल का राजा योराम और यहूदा का राजा आजा दोनों अपने अपने रथ पर चढ़ के निकले और यहूद से मिलने से बाहर आए। तब इसराइल
नाबोत की भूमि में से उसे भेंट की। यहू को देखते ही योआब ने पूछा, हे यहू, क्या कुशल है? यहू ने उत्तर दिया, जब तक तेरी माता इजबेल, यहाँ पे शब्द बहुत खराब यूज किया गया है हिंदी में, मैं वो यूज नहीं करूंगा, उसको मैं यूज करूंगा व्यभिचारिन, व्यभिचारिन की देवी या कुकर्म की देवी, वो जो टोना करती है, मतलब ये इजबेल जादू टोना करती थी, उसी जादू टोना से विचक्राफ्ट करके उसने यो जो योराम का बाप आहाब था उसको अपने वश में कर लिया था, इसलिए आहाब पूरी तरह से इजबेल की उंगली के ऊपर नाचता था, इशारे पे नाचता था। आगे वो कहता है कि जब तक वो व्यभिचार की माता, कुकर्म की माता जो टोना करती है वो जिंदा है तो कैसा क्या सब कुशल होगा। और जाके जाके योराम को मार दिया गया। और वहां से जब ये घोड़े पे बैठकर जब यहू आता है, आगे चलेंगे 30 वचन, जब यहू इजबेल को आया तब इजबेल ये सुनकर अपनी आंखों में सुरमा लगाया, अपना सिर संभाल कर खिड़की में से उसे झांकने लगी। अभी अपनी भाषा में अगर इसको समझना है तो इजबेल यहू के ऊपर उसे सेड्यूस करने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए, वो उसको लाइन मारने के लिए सच धज के आंखों में सुरमा लगाकर बाल सवार कर शायद शरीर के कुछ अंगों को उसने खोल कर, मतलब दिखाने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए, जवानी की लालसा से आकर्षित करने के लिए खिड़की में आकर उस पे लाइन मारने लग गई। लेकिन जब यहू ने यह देखा तो क्या हुआ, देखो, जब यहू फाटक में होकर आ रहा था तब उसने कहा, हे अपने स्वामी का घात करने वाले चिमरी, क्या कुशल है? तब उसने खिड़की की ओर मुंह उठाकर पूछा, मेरी ओर कौन है? खिड़की की ओर वो देख रहा था, लेकिन वो इजबेल के वो सारे जो आकर्षित करने वाले व्यभिचार के जो भी नाना प्रकार की जो क्रियाएं इजबेल जैस कर रही थी वहां पे उसने ध्यान नहीं दिया। उसके उस सुंदरता को देखकर ये वो मोहित नहीं हुआ। आजकल जवानों को मैं बताना चाहता हूं, स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो लड़का हो, आपको किसी के शारीरिक अंगों को देखकर आप आकर्षित नहीं होना चाहिए। इन बातों को आप कुछ जानना चाहिए, अपनी आंखों के दृष्टिकोण पवित्र होने चाहिए। आगे देखो क्या हुआ, कौन है? इस पर दो तीन खोजों ने उसकी ओर झांका, तब उसने कहा, उसे नीचे गिरा दो, इजबेल को उठा के नीचे गिरा दो, फेंक दो। तब उन्होंने उसको नीचे गिराया और उसका लहू कुछ छींटे, लहू का छींटे दीवार पर और कुछ घोड़ों पर पड़ा, और उन्होंने उसको अपने पांव से लताड़ दिया। तब वो भीतर जाकर खाने पीने लगा और कहा, जाओ उस सापेसी को देखो, उसे मिट्टी दे दो, वो राजा की बेटी है। जब वो मिट्टी देने के लिए गए तब खोपड़ी और हथेलिया, पांव की और हाथों की हथेलिया छोड़कर कुछ नहीं बचा था, क्योंकि एलिया ने जो श्राप दिया था कि इजबेल को कुत्ते खाएंगे, क्योंकि उसने बहुत सारे नबियों को मौत के घाट उतारा था। इवन इलिया जैसा इतना पावरफुल प्रॉफेट था, जिसने आसमान से अग्नि लाया था, जिसके बोलने से बारिश बंद हो गई थी, जिसके बोलने से बारिश उतर के आ गई थी, जिसके द्वारा मुर्दा जिलाया गया था, लेकिन ये इलिया इजबेल से डरता था। लेकिन यहाँ पे यहू ने कहा, क्या काम किया? यहू आहाब के नहीं, उसने इजबेल के सामने लाल नहीं टपकाई, उसने क्या कहा, इजबेल को उठा के फेंक दो। अब यहाँ पे ये वचन लागू होता है 2 करिन्थियों का किताब 9वां अध्याय वचन 27 में पौलुस कहता है, मैं लक्ष्यहीन नहीं हूँ, मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूँ, मैं मेरे शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अब उसे गुलाम बना के रखता हूँ, अब आत्मा को मैं बादशाह बनाता हूँ, आत्मा को मैं राजा करता हूँ, क्योंकि मेरे आत्मा में वो परमेश्वर की आत्मा रहती है। हालेलुया। ये बात यहाँ पे यहू ने करने के बाद इजबेल को मार दिया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत खतरनाक आत्मा है। मैं उस आत्मा की स्तुति नहीं करता हूँ, उससे भी सामर्थ्यशाली परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। लेकिन ये इजबेल की आत्मा में बहुत सारे परमेश्वर के दास हो, विश्वासी हो, अच्छे अच्छे घर में रहने वाले हो, इस इजबेल की आत्मा की वजह से बहुत सारे व्यभिचार की आत्मा में पड़े हुए, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में है, कोई शादी से पहले शारीरिक संबंधों में फंसे हुए, कोई सेवक और सेविका भी व्यभिचार में फंसे हुए। क्यों? क्योंकि इजबेल के शरीर को यहू ने मारा, लेकिन आत्मा आज भी काम कर रही है।
आज भी वो आत्मा काम कर रही है और बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर रही है। मुझे आज आपको बताना है परमेश्वर के लोगों, अगर आपको इस इज़बेल की आत्मा के ऊपर, इस पापमय बातों के ऊपर अगर जयवंत होना है तो आपके पास यहू की वचन की तलवार होनी चाहिए। उस वचन की तलवार से आपको जिस तरीके से उसने इज़बेल का खात्मा किया, इज़बेल को कुचल दिया, आपको भी आपके शरीर के उन सारे गलत अंगों को जो आपको पाप की तरफ आकर्षित करती है उन्हें आपको कुचलना होगा और आपको आत्मा को जयवंत करना होगा और शरीर को दास बनाना होगा। बहुत सारे लोग इसमें हार जाते, बड़े बड़े सुरमा इसमें हार गए। हमारी पूना की पेशवाई मस्तानी की जवानी के पीछे लूट गई, बाजीराव पेशवा मस्तानी के पीछे लूट गया। बहुत सारे इतिहास बताती है कि स्त्री के वजह से बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े युद्ध हो गए, लेकिन इतिहास ये भी कहता है जिन्होंने इनके ऊपर जय पाई है वो जयवंत हुए। तुम्हारा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो मृत्यु पर जिलाया गया है, अब वो चाहता है कि हम इन बातों पे जय प्राप्त करें। और जैसा हमने एक वचन के ऊपर कल भी अध्ययन किया था, वो वचन था दानियल का 11 अध्याय वचन 32, बुक ऑफ दानियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। मैं थोड़ा सा और 5 मिनट इन बातों के ऊपर आपको थोड़ा गहराई से बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि मनुष्य सैमसन के जैसे पाप में गिरता है और शक्तिहीन होता है, दुष्टिहीन होता है और अपने दर्शन से भटक जाता है। क्या होता है एक व्यक्ति इस पाप में बातों के ऊपर जयवंत होता है और अपने दर्शन को प्राप्त करता है। एक ही वचन में इसका जवाब है, दानियल 11:32। क्या कहता है दानियल 11:32? अब जो लोग यहाँ पे सैमसन जैसे लोगों को देखो, जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, वाचा को मतलब वचन को तोड़ेंगे, वचन की आज्ञा यह है पवित्र चाल चलो, शरीर की वासना, तन की वासना, मन की वासना, धन की वासना, इसके बारे में जो परमेश्वर की कलाम की वाचा को तोड़ेंगे उनको वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनको भक्तिहीन कर देगा। यही बात, यही हादसा, यही घटना सैमसन के साथ हुई। सैमसन जो एक न्यायी था, he was a judge। आज भी बहुत सारे लोग सैमसन का उदाहरण देते हैं, शक्तिशाली सैमसन, गधे की मुंह की हड्डी से 1000 लोगों को मारने वाला, 300-300 लोमड़ियों की पूछ को गांठ बांधकर उसमें मशाल डालकर फिलिस्ती लोगों के खेतों को जलाने वाला, लेकिन यही सैमसन दलीला की गोद में गिर गया और दलीला की गोद में जाने से पहले उसने परमेश्वर का नाजीर वो था जिसे पवित्र जीवन जीना था, इस वाचा को सैमसन ने तोड़ा, इसलिए वो दलीला की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और अपनी शक्ति का राज बोल दिया। और जब सैमसन के बालों को काट दिया गया वही सैमसन छटपटाने लगा, दुष्टिहीन हो गया, उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, शक्तिहीन हो गया, जो लोगों की हड्डियों का आटा निकालने वाला वो फिलिस्ती लोगों के जेल में उनके अनाज का आटा निकालने वाला चक्की वाला बन गया। क्यों? वाचा को जो तोड़ेंगे। वाचा क्या है? वाचा ये है, मैं मंदिर हूं तेरा, जिंदा घर हूं तेरा, मेरी मर्जी अब नहीं तेरी मर्जी सदा। ये वाचा है, मेरा शरीर उसका मंदिर है, मैं उसका सीधा मंदिर हूं। इस मंदिर को ना धन की वासना, ना तन की वासना, ना मन की वासना, कोई भी वासना से मैं वाचा तोड़कर इस शरीर के ऊपर दलीला को मैं अधिकार नहीं दूंगा, मैं इज़बेल को अधिकार नहीं दूंगा, क्योंकि ये शरीर मेरे परमेश्वर का रूहानी मंदिर है, टेम्पल ऑफ जीसस, चर्च ऑफ जीसस, इसे मैं भ्रष्ट नहीं होने दूंगा। सैमसन ने यही गलती की, वाचा को तोड़ दिया, आगोश में दलीला के सो गया, खत्म हो गया। लेकिन यूसुफ के बारे में ये वचन आगे क्या कहता है देखो, परंतु, परंतु जब आता है ना तब समझना है कि सीरियस बात है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, यहां नहीं यहां अपने हृदय में उसके वचन को रखते हैं, वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, वे लोग हिम्मत बांधकर, हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए
उस दिन यूसुफ को लोगों ने भगोड़ा कहा होगा, यूसुफ को शायद कुछ जवाने ने उसको नपुंसक कहा होगा यूसुफ को, लेकिन यूसुफ वहां से भागा, उसने वचन की वाचा को तोड़ा नहीं, उसने अपने परमेश्वर का ज्ञान रखा। इसलिए उसने पोटीपर की स्त्री को पहले कह दिया, तेरे साथ सोकर तेरे साथ कुकर्म करके मैं मेरे परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी क्यों ठहरूं। यही बात थी जिसने वाचा को तोड़ा नहीं, और यही बात थी सैमसन ने वाचा को तोड़ा इसलिए उसका साम्राज्य खत्म हो गया, और यही बात थी यूसुफ ने वाचा को निभाया इसलिए उसका साम्राज्य शुरुआत हो गई। हालेलुया जवानो आजीजो, इन बातों में मत गिरो, परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ मत करो, कॉम्प्रोमाइज लाइफ मत जियो, प्रमोशन के लिए अपनी वर्जिनिटी को मत गवाओ, जवानी की अभिलाषाओं के पीछे अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शारीरिक पापों में मत पड़ो, पोर्नोग्राफी मत देखो, पोर्नोग्राफी पिक्चर मत देखो, चित्र मत देखो, गलत गलत मोबाइल और व्हाट्सएप पे गलत गलत अशुद्ध बातों को टाइप मत करो, गंदी बातों मत सुनो। ये बातें तुम्हें वाचा को तोड़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी, और एक बार तुम्हारे जीवन से परमेश्वर की पवित्र वाचा जब टूटेगी तो सैमसन की नहीं तुम शक्तिहीन बन जाओगे, दृष्टिहीन बन जाओगे, दर्शन से दूर चले जाओगे और अंधकार की खाई में चले जाओगे। लेकिन यूसुफ के जैसा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप इन बातों के ऊपर जयवंत होंगे तो निश्चय भले आज आपको प्रमोशन नहीं मिला लेकिन आने वाले दिनों में भले लेट होगा लेकिन खुदा तुम्हें बेस्ट देगा। अपने जीवन के साथीदार के लिए अन्य जातियों में अपना जोड़ीदार मत चुनो, अन्य जातियों में अपना लाइफ पार्टनर मत चुनो, परमेश्वर के ऊपर वेट अपॉन द लॉर्ड, परमेश्वर का इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, वो तुम्हें अच्छा जीवन साथी देगा। इन बातों को गहराई से समझ लो, गंभीरता से ले लो, क्योंकि अगर आज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे उसका खामियाजा उसका भुगतान भविष्य में बहुत बुरा होगा। इसीलिए आज धीरज रख के परमेश्वर के कलाम के अनुसार चलो, भले आपको थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मैं यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ आपको बेस्ट मिलेगा। हालेलुया। वो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्ति कर देगा लेकिन हम वचन के अनुसार चलेंगे तो हम भक्तिमान से भक्तिमान हो जाएंगे। हालेलुया। अब जब इन बातों के ऊपर आप गरीब जाते, मैंने जैसे कहा अगर हम इतिहास में अगर देखेंगे इज़बेल रानी को मर के यीशु मसीह के पहले एक अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ लो एक 1500 साल या 1000 साल पकड़ो, 1000 साल पहले यीशु के पहले मारी गई हो, और यीशु को स्वर्ग में उठाने के बाद अब तक हो गए 2020 साल, 2000 साल पकड़ो, लेकिन आज भी इज़बेल की आत्मा किस तरीके से कहां पर काम करती है इसका एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूं, इसलिए सतर्क हो जाओ। चले प्रकाशित वाक्य जिसका दूसरा अध्याय, यहां पे 7 कलीसियों के लिए परमेश्वर के दूत का संदेश आता है। पहला संदेश आता है इफिसुस की कलीसिया के लिए, दूसरा संदेश आता है स्मुर्ना की कलीसिया के लिए जो ऑलरेडी प्रेरितों की कलीसिया थी, तीसरा संदेश आता है जो पर्गमन की कलीसिया के लिए, और चौथा संदेश आता है थुआतीरा की कलीसिया के लिए। ये थुआतीरा की कलीसिया के बारे में क्या कहते हैं सुनो, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय वचन 18 से लेके आगे, गौर से सुनो, ध्यान लगा के सुनो, रेवलेशन चैप्टर 2 and from verse 18 we will pray, we will read। थुआतीरा की कलीसिया के दूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है, यीशु की आंखें आग की ज्वाला के समान है, जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है जो न्याय को दर्शाता है, वो ये कहता है मैं तेरे कामों और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं। देखो कितनी अच्छी बात बोल रहा है, अच्छी बात भी देखो और उसके बाद की डांट भी देखो, देखो प्रेम विश्वास सेवा धीरज ये 4 बातों को परमेश्वर जानता है, किसको? थुआतीरा की कलीसिया को। आगे देखो, तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है, तेरी सेवकाई पहले से बढ़कर है, लेकिन आगे देखो क्या कहता है, पर मैंने कहा ना जब पर आएगा, परंतु आएगा, क्योंकि आएगा, बट आएगा, बिकॉज आएगा,
उस वक्त समझ डेफोर आएगा, उस पर समझने का कुछ तो भी सीरियस बात है। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। देखो उस कलीसिया की स्तुति करते हुए क्या कहता है, प्रेम है, विश्वास है, सेवा है, धीरज है, पहले से अधिक काम है, लेकिन पवित्रता नहीं है। जैसे मैंने कहा वचन आज्ञा, आज्ञा का दीपक है, शिक्षा का उजाला है और डांट का जीवन का मार्ग है। डांट भी लगा रहा है यहाँ पे, परमेश्वर दूत के द्वारा डांट लगा के कहता है तुझमें धीरज है, प्रेम है, विश्वास है, अच्छी सेवा है, पहले से बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इज़बेल को रहने देता है। मराठी कह दे वचन 20 वचन फक्त 20, तरी तुला दोष देने मला प्राप्त आहे, इज़बेल नावाची जी स्त्री आपल्याला ती भविष्यवक्ती म्हणवते आणि चार कर्म करणाऱ्यास व मूर्तीला दाखवणारा नैवेद्य खाण्यास माझ्या दासांना शिकवून बुलविते। इस मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर क्वालिटी है। इज़बेल आत्मा में क्या क्वालिटी है पता है? उसकी क्वालिटी ये है, वो भरमाने में एक्सपर्ट है, वो भरमाने में एकदम माहिर है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े दासों को भरमा चुकी है वो आज। मुर्दे जिलाने वाले ट्रिपल जी के लपड़े में गिर गए। पता है ट्रिपल जी क्या है? कल ग्लोरी एंड गोल्ड, शरीर की अभिलाषा, धन की अभिलाषा और खुद की महिमा। कल ग्लोरी एंड गोल्ड, ये तीन प्रकार की अभिलाषा में बड़े बड़े सुरमा अभिषिक्त गिर गए हैं। वो जानती है किसको कैसे भरमाना है, लेकिन वो डरती है आज भी यहू की तलवार से। अब वो यहू की तलवार मतलब यहोवा की तलवार, यहोवा की तलवार वर्ड ऑफ गॉड, यहां नहीं चाहिए, यहां चाहिए और चाल चलन में चाहिए। वो उससे डरती है। है क्या आज आपके पास वो तलवार? मेरे हिंदी बाइबल में थोड़ा और अच्छा लिखा है, हमने मराठी पढ़ा, तू उस इज़बेल स्त्री को रहने देता है, जिसको हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, तेरे पास रहने देता है। मतलब ऐसी भी कलीसिया है जिनमें प्रेम है, जिनमें विश्वास है, जिनमें बड़ी सेवा है, बड़ी भीड़ होगी उनके पास, वो धीरज भी रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इज़बेल को भी रखते हैं। इज़बेल को मतलब व्यभिचार की स्त्री, इज़बेल को मतलब सेड्यूस करने वाली, आकर्षित करने वाली, अपने शरीर के अंगों से लुभावने वाली, भरमाने वाली इज़बेल को रखते हैं, जो अपने आप को भविष्यवक्ती कहती है, जो खुद को प्रोफेटस, सो कॉल्ड प्रोफेटस, अपने आप को भविष्यवक्ती कहती है। आज मेरे दासों को, गौर से सुनो, दासों को, परमेश्वर के दासों को व्यभिचार करने, नंबर वन व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु को खिलाकर भरमाती है। अरे ये तो इज़बेल तो मर गई ना यहू के जमाने में, कहां से आ गई? फिर इज़बेल मर गई है, लेकिन उसकी आत्मा काम कर ले। बिलाम मर गया है, भविष्यवक्ता था, उसका आत्मा भी जो पर्गमन की कलीसिया में काम कर रहा है। ये जो कलीसिया स्मुर्ना नाम की कलीसिया को छोड़कर उसमें से जो छह कलीसिया है आज संसार में, इन सभी कलीसिया के अवशेष दिखते हैं जिनके अंदर यह स्वभाव है, जिनके अंदर यह गलत काम चल रहा है। लेकिन आज बहुत सारी कलीसिया में ये इज़बेल नाम की आत्मा काम कर रही है, जो दासों को इन व्यभिचार की बातों में भरमा रही है और मूर्तियों का जो भी प्रसाद कहा गया है, जो आगे चढ़ाई हुई बातें वो खिलाती है। फिर कौन सी मूर्तियां? आज बहुत सारे सेवकों की मूर्तियां धन बन गया है, अपनी शान बन गई है,
अपना खुद का सर्वस्व बन गया है। इन सब बातों के सामने आज बहुत सारे लोग अपना घुटना टेकते हैं, वो नाम से कहलाते हैं अभिषिक्त लेकिन काम के नहीं है, वो नाम से कहलाते हैं मसीह के लेकिन काम से मसीह के नहीं है। गौर से सुने इन बातों को, शायद ये संदेश बहुत कड़वा होगा, लेकिन मैं आज बताता हूँ ये कड़वी डांट आपको जीवन का मार्ग देगी, जो नीति वचन 6:23 में बताया गया है। किस तरीके की आज सेवकाई चल रही है, आज भले बड़ी भीड़ होगी, लोग कहते भीड़ से लोग जा रहे क्या पागल है क्या, मैं कहता हूँ पागल है जिनको भरमाया जा रहा है, जिनको वहां पे गलत दिशा में उनको वहां पे केंद्रित किया जा रहा है। बाइबल का परमेश्वर हमें आगाह कर रहा है, ये यूथुरा की कलीसिया के द्वारा हमें आगाह किया जा रहा है। शायद तेरा धीरज होगा, अच्छी बात है, प्रेम है अच्छी बात है, विश्वास है अच्छी बात है, सेवकाई अच्छी बात है, पहले से तेरी मिनिस्ट्री और बढ़ रही है अच्छी बात है, लेकिन तेरे भीतर इस बेल कहलाने वाली स्त्री बहती है जो व्यभिचारी है, जो भविष्यवक्ति खुद को कहलाती है, शायद तेरे अंदर से भविष्यवाणियां भी करती होगी, लेकिन सतर्क हो जा, सावधान हो जा, ये स्त्री तुझे बर्बाद कर देगी, ये आत्मा तुझे बर्बाद कर देगी, सावधान। बहुत गलत बात है, मैं जब इन वचनों को सुन रहा हूं मेरे अंदर से एक आग जल रही है। आज बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी बड़ी भीड़ है मतलब हम सही ट्रैक में चल रहे हैं। सॉरी, आई कांट एग्री विथ योर स्टेटमेंट। बड़ी भीड़ के अंदर खुदावन नहीं है, चुनी हुई भेड़ के अंदर खुदावन यीशु रहता है। बड़ी भीड़ के अंदर यह रहती होगी जिसे इजबेल कहा जाता है, लेकिन चुनी हुई भेड़ के अंदर भेड़ का चरवाहा यीशु मसीह रहता है। हालेलुया, खुदावन आपको कान खोलकर सुनने के लिए, क्योंकि इस कलाम को जब खत्म होता है तो आत्मा कलीसिया से कहती है जिन्हें कान है वे सुन लो, जिन्हें कान है वे सुन लो, अच्छी तरह से आपके आत्मा के कान खोलकर सुन लो। इसमें रहती है, शायद बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो गए, पहले से अधिक काम अच्छा हो रहा है। जो लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे चिन्ह चमत्कार हो गए अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर इस बेल रहती है जो गलत भविष्यवाणियां भौतिक भविष्यवाणियां लेकर आ रही है तुम्हारे अंदर? चाहे वो भविष्यवाणियां सही में सच भी होती रहेंगी, लेकिन क्या ये भविष्यवाणियां खुदा की ओर से है? उसका भी आज आपको अध्ययन करना होगा, उसको भी आपको जांचना होगा। यू शुड एनालाइज यूर ऑल प्रोफेसिस ऑल्सो, क्या यह भविष्यवाणी आई है सच में ये खरी खरी है, लेकिन क्या यह परमेश्वर की ओर से थी? उसके बारे में भी मुझे सोचना होगा। आज सुधर जाओ, परमेश्वर का बेटा जल्दी आ रहा है, वो धन दौलत वालों को लेकर नहीं जाएगा, जिन्होंने अपनी पाकीज़गी को संभाल कर रखा है, जिनका दामन, जिन्होंने अपनी पवित्रता का गहना संभाल कर रखा है, उनको वो लेकर जाएगा। सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, परमेश्वर बहुत प्यारा है, लेकिन वो समय आकर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यीशु आके चला जाएगा, तू अकेला रह जाएगा, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे संवारेगा? बहुत अच्छा गीत है वो, जो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और वचन 4 पे लिखा गया है कि पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया है, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया है। भले तू यीशु का काम कर रहा है लेकिन यीशु के तरीके से नहीं है, तेरी इच्छा योग्य है लेकिन तरीका गलत है, तेरी सेवा योग्य तेरे तरीके से योग्य है लेकिन तेरा तरीका गलत है, तेरा प्रेम योग्य है लेकिन तरीका गलत है, तेरा धीरज योग्य है लेकिन तरीका अलग है। क्या मैं सही तरीके से चल रहा हूं? इस्माएल के बारे में बताई जा रहा है परमेश्वर का कलाम, क्या कह रहा है यहाँ पे मुझे परमेश्वर का कलाम? क्या मूर्तियों को चलाने वाला मेरे दासों को खिलाया जा रहा है? इस्माएल बहुत शातिर थी, जो शरीर में शातिर थी आहाब के द्वारा एलिया के खिलाफ खड़ी थी, लेकिन आज बहुत सारे एलिया के आत्मा में चलने वाले लोगों के खिलाफ बहुत सारी इस्माएल की आत्मा काम कर रही है। सतर्क हो जाओ, सावधान, बिहोल्ड, परमेश्वर आपको सतर्क कर रहा है, देखो वो आ रहा है। बाइबल आगे कहता है 21 वचन में, मैंने उसके मन फिराने के लिए अवसर दिया है पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। वो नहीं है, ये थुआतीरी की कलीसिया है जिसके पास धन दौलत सब है, जिसके यहाँ भविष्यवाणियां होती है,
जिसके यहाँ पे प्रेम भी दिखता है, विश्वास भी दिखता है, बड़े बड़े कारनामे दिखते हैं, दिवस दिखता है, लेकिन ये कलीसिया में वो क्या कहते हैं पता है कि मैंने मन फिराने के लिए अवसर दिया है, लेकिन वो व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है कलीसिया। अभी यहाँ पे इसबेल ने कलीसिया को बोला है, आगे कहा गया, देख मैं उसे रोग शैया पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें भी बड़े क्लेश में डालूंगा, मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेगी कि हृदय और मन को परखने वाला मैं ही हूं। वो मारने से पहले, वो विनाश करने से पहले, वो खात्मा करने से पहले परमेश्वर के लोगों अपना मन फिराओ, पवित्रता की चाल चलो, क्योंकि ये परमेश्वर मन और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है, मन और आत्मा की सभी इच्छाओं को परखने वाला परमेश्वर है, सभी बात की जांच करने वाला परमेश्वर है। इसलिए अभी समय है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। अद्भुत बातें परमेश्वर ने हमें बताई है। यहू ने जो काम किया, अगर यहू आहाब के जैसे उसकी अदाओं के ऊपर फिदा होकर अगर यहू अगर इसबेल को अपनी बाहों में लेता था तो यहू की मौत आहाब से बदतर होती थी, लेकिन यहू ने इसबेल का जो स्पिरिट काम कर रहा था उसको उधर ही खत्म कर दिया, वापिस इसबेल का काम ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, डायरेक्ट काम अभी कलीसिया में दिख रहा है। यहू कौन बनेगा जो इसबेल को पटक देगा, जो 2 करिन्थियों 9:27 के अनुसार अपने शरीर को मार के कूट के उसे दास बना के आत्मा को राजा बनाएगा। यूसुफ कौन बनेगा जो पोटीपर के स्त्री से द्वारा 2 तिमोथी 2:22 के अनुसार जवानी के अभिलाषा से भागेगा। आज सैमसन बन रहे लोग, आज दाऊद के नाई कुछ लोग व्यभिचार में बत्शेबा के साथ गिर रहे, लेकिन वो यहू चाहिए जो इसबेल को पटक कर मार दे। आज बात दो सब बातों को, इसलिए यीशु मसीह ने जो हमने ऑलरेडी देखा है, तेरा आंख अगर तुझे ठोकर दिलाए आंख निकाल कर फेंक दे, काना बन के स्वर्ग के राज्य में चल, 2 आंख लेके नरक की अग्नि में मत जा जहां पर उसका कीड़ा मरता नहीं। तुझे हाथ अगर ठोकर दिलाते हाथ तोड़ दे, टुंडा बनकर जीवन के राज्य में आ, 2 हाथ लेकर नरक की अग्नि में जलने मत जा। तेरा पैर अगर तुझे ठोकर दिलाता है पैर को काट दे, 2 पैर होके नरक की अग्नि में जाकर झुलसने से अच्छा है लंगड़ा बन के स्वर्ग के राज्य में आ जा। इसका मतलब क्या है, हमें हमारी वासना के अंगों को काटना होगा। अब जो हमने देखो भी देखा है पिछले दो एपिसोड पहले, अपने शरीर के अंग परमेश्वर को धर्म के हथियार बनाने के लिए दे दो, ना कि अधर्म के हथियार बनाने के लिए इसबेल को दे दो। धर्म के हथियार बनेंगे तो तुम उसको काट देंगे और पवित्रता की चाल चलोगे। क्या चाहिए आपको, बहुत अद्भुत बात है ये मैसेज। जो भी अपने जीवन में अप्लाई करेगा, मैं स्टैम्प पेपर पे ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे साइन करके देता हूँ। अगर ये मैसेज के अनुसार जो कोई अपना जीवन जिएगा, यीशु मसीह आज रात को भी आएगा ना, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह उसको इजीली उठा के लेके जाएगा अपने राज में। अब मेरा उद्देश्य यही है कि आपको राजपाट या आपको हीलिंग मिराकल नहीं, तो उससे आगे आपको अनंत जीवन मिले, ये प्रचार मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ, ये प्रचार उसके ऊपर मैं लेकर आया हूँ जो आपको यीशु के साथ लेकर जाएगा और ये आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। अगर आप यीशु से मोहब्बत करते हो तो आज से इस कलाम के अनुसार चलो और कहो कि मैं दुष्ट के साथ उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में गिर के मैं वाचा को तोड़ूंगा नहीं, तो मैं बांधने के लिए भले मेरे शरीर को तोड़ना पड़ेगा तो मैं तोड़ दूंगा और मैं हियाव बांध कर यीशु नासरी के नाम में बड़े बड़े काम करूंगा। दानियल 11:32 के अनुसार खुदावन करे आपको इस कलाम के अनुसार महिमा से महिमा में लेकर जाए। खुदावन यीशु के नाम में मैं सबको आशीषित करता हूँ। प्रभु पवित्रता की चाल चलने के लिए तेरे लोगों की अगुवाई कर, और प्रभु इस कलाम के अनुसार जीवन जीने के लिए तू उनकी सहायता कर। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा वो फैलाए और लोगों के आशीष का कारण बने, और जो अपवित्र व्यभिचार में, अशुद्धताओं में, इम्प्योरिटी में, इमोरलिटी में जो जीवन जी रहे वो होलीनेस में आए, ऐसा अनुग्रह इस कलाम के द्वारा उनके जीवन में होने दे। सभी को उनके परिवार के साथ, बाल बच्चों के साथ तेरे लहू के अंदर में ढक देता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु हम सभी को पवित्र जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर सेकंड में तू हमें चला। हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण, हमारे हृदय, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे पैर पवित्रता की चाल चले, ऐसा अनुग्रह तू दे। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु आपको आशीषित करे, महिमा से महिमा में लेकर चले, इस कलाम के अनुसार अपना जीवन जिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि परमेश्वर की सेना पवित्रता से भरकर तैयार हो जाए और जब यीशु मसीह आए तो उसे फक्र महसूस हो कि वो पवित्र सेना को उठा के लेके जाए। गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट।